एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने वन पार्ट में आपको बोला था कि मैं आपके लिए दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊंगा कि चैनल क्रिएट कैसे करें, तो ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया था कि चैनल कैसे बनाना और ईमेल कैसे बनानी। वन पार्ट में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, आप वन पार्ट देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आपको उस वीडियो को देख सकते हैं पहला पार्ट की, ठीक है। और दूसरे पार्ट की आज मैं वेरीफाई से लेकर और आपको फुल सेटिंग बताऊंगा कि आपका फुल तरीका चैनल सेट करने का और चैनल ऑन ऑफ या एनेबल रखने का किस तरह से आप अपने चैनल को रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वेरीफाई से लेकर फुल सेटिंग अपने चैनल बनाने की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा सारी सेटिंग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और आपको लेके जाऊंगा मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वहां आपको सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। सभी फ्रेंड्स मेरे मोबाइल फोन पे आ गए होंगे। तो मोबाइल फोन पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको मैं बताऊंगा कि अपना, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में पहले पार्ट में कि वेरीफाई से लेके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा सेटिंग तक, चैनल की सेटिंग तक कैसे ऑन ऑफ क्या क्या आपको सेटिंग इनेबल करना है, तो सब कुछ जानकारी दूंगा जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो आज मैं दूसरा पार्ट लेके आ चुका हूँ और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि चैनल वेरीफाई कैसे करना है और क्या क्या करना है आपको और कैसे सेटिंग करनी है अपने चैनल की। तो ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पे चले जाएं, थ्री लाइन पे, और अपना चैनल वहाँ पे ओपन कर लें, ठीक है, जिस चैनल को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। उस चैनल को आप डेस्कटॉप मोड पे जाके, आप सिंपल सा, आप जानते होंगे शायद, अगर यूट्यूबर होंगे और आप शायद चैनल बनाना चाहते होंगे थोड़ा बहुत, तो आपने वीडियो जरूर देखी होगी। तो सिंपल सा है, आप वेरीफाई और डेस्कटॉप मोड का, आपको थ्री लाइन का ऑप्शन का पता होगा, डेस्कटॉप मोड पे आ जाएं इस तरह से जैसे मैंने कर रखा है। अपना यहाँ पे अपने ईमेल का और अपने चैनल का यहाँ पे आपको लोगो दिखाई देगा एक साइड में ऊपर, जो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आपको एक लोगो दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, अपने लोगो पे क्लिक करना है और आपको सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप जब सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको फिर सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे आपको क्लिक करेंगे। तो जब आप सबसे नंबर पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जो मेरा ये शायद चैनल वेरीफाई है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे सामने यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे शो हो गया आपका चैनल ऑलरेडी वेरीफाई है, आप 15 मिनट से भी ओवर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा चैनल यहाँ पे पहले से वेरीफाई था। और आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई के लिए यहाँ से मैं शायद इसको बैक कर लेता हूँ क्योंकि मेरा चैनल वेरीफाई है। तो आपके सामने यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे नंबर अपना एंटर करना है और मिसिंग का, जैसे कि आप अगर मैसेज में मंगाना है, आपको कॉल के द्वारा अपना ओटीपी लेना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका ओटीपी आ जाएगा, वहाँ पे डाल दें। ओटीपी डालने के बाद जैसे कि आप किसी नंबर को रजिस्ट्रेशन करते हैं इसी तरीके से ओटीपी आएगा, तो ठीक है, आपका वेरीफाई चैनल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर यहाँ से आप होना है आपको बैक, आपका जब चैनल वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ से होना है बैक। बैक होने के बाद फिर से इस तरह से डेस्कटॉप मोड पे आप आ जाएंगे। तो आने के बाद आपको फिर से लोगो पे क्लिक करना है अपने चैनल के, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो पे, क्लिक कर ले, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। तो यूट्यूब स्टूडियो पे आप जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आपका स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक आपको सेटिंग का, सेटिंग वाला लोगो, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अपना जो मनी आपका जो चैनल करने लगेगा, तो आपको डॉलर के हिसाब में चाहिए या कैश चाहिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डॉलर के हिसाब में चलता है अब तो सब जगह, तो डॉलर में यहाँ पे ये सेट ही रहने दें। तो आपको करना है चैनल पर क्लिक, जब चैनल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंडिया। तो सबसे पहले आपकी आपकी कौन सी कंट्री है, कंट्री ऑफ इन, तो आपको सबसे पहले डालना है अपना इंडिया। इंडिया डालने के बाद आपका चैनल का कीबोर्ड आएगा, आपको वो यहाँ पे भर देना है, ठीक है। एडवांस सेटिंग में चल जाएं आगे, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर सिंपली पहले से शो हो जाएगा ये ऑप्शन आएगा, तो आपको ये नीचे सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। आपको ऐड यूट्यूब चैनल टू गूगल ऐड लिंक ये नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पे अगर क्लिक करना है शायद तो कर सकते हैं आप, यहाँ ऑटोमेटिक पे क्लिक कर लें, ये ऑटोमेटिक लगा के रखें आप ऑटोमेटिक, ठीक है, इसको आप बंद करके रखें, ठीक है। यहाँ पे काउंट अपने ऐड दिखाना है या ऐड आउट का है, ये आपको काउंट सब्सक्राइबर काउंट दिखाना है, तो सिंपली आपको
यहाँ पे अलग बंद दूसरा ऑप्शन आएगा जहाँ पे ये मैंने बंद कर रखा है, तो यहाँ पे काउंट वाला आ रहा है तो उसको बंद कर दें, ठीक है। फिर आप चल जाएँ फ्यूचर सेटिंग पे, तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको फिर जाना है डिफ़ॉल्ट वीडियो, मतलब आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट पे, तो आपको यहाँ पे देखने का ऑप्शन मिलेगा, एक पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा इसमें, तो पब्लिश लगा दें, अपने टैग लगा दें अपने जो भी वीडियो के या चैनल के, ठीक है, आप अपने चैनल के टैग लगा दें वीडियो के जो भी हैं। फिर आप एडवांस सेटिंग पे चल जाएं आगे, एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आप वीडियो कौन से उसमें करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देनी है, तो आपको यहाँ पे कर देना है, और ब्लॉग्स में चैनल बनाना है कौन सी कैटेगरी में बनाना है, तो आपको यहाँ पे सारी कैटेगरी मिल जाएंगी, आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख के आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ बताने वाला था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।